अपराध की खबर सिर्फ किसी वारदात की सूचना भर नहीं होती है, अपराध की खबर लोगों को सतर्क और जागरूक करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। आज की खास खबर क्राइम की खबरों पर काम करने वाले पत्रकारों पर है। उन खबरों से आम लोगों पर और खबर में शामिल पीड़ित और आरोपी पर खबर का असर कितना पड़ता है, उस पर आइए समझते हैं इस पूरी जमीनी हकीकत को। जब पुलिस, पत्रकार और प्रशासन की कार्रवाई होती है और जब अपराध होता है, तब अपराधी वारदात के कौन कौन से तरीके अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे होते हैं और इसकी जानकारी अपराध के समाचारों से मिलती है। लोग यदि अपराध के समाचार में दी गई जानकारी पर ध्यान दें तो वह अपराधियों के चंगुल के आने से पहले ही खुद को काफी हद तक बचा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग ऐसी खबरों को गंभीरता से नहीं लेते और अपराधियों के चंगुल में फंस जाते हैं। इस बात का अंदाजा और इस बात की जमीनी हकीकत इस बात से लगाई जा सकती है कि ठगी, जालसाजी, धोखाधड़ी के समाचार लगातार आते रहते हैं। इसके बावजूद ऐसे अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि अपराध के समाचारों से लोग कुछ सबक नहीं लेते हैं या फिर अपने लालच के कारण ठगों के जाल में फंस जाते हैं। अपराध की रिपोर्टिंग सिर्फ वारदात की सूचना तक ही सीमित नहीं होती है। अखबार में खबरों के माध्यम से लोगों को कानून और अधिकारों के बारे में भी जानकारी देकर जागरूक किया जाता है। अपराध पीड़ित के क्या क्या अधिकार और पुलिस का क्या क्या कर्तव्य है, ये भी क्राइम रिपोर्टिंग से बताया जाता है। क्राइम रिपोर्टिंग गंभीर और जिम्मेदारी से किया जाने वाला काम है, लेकिन न्यूज चैनलों के आने के बाद से इसमें काफ़ी गिरावट आ गई है। सबसे पहले दिखाने की अंधी दौड़ में गलत खबर तक दे दी जाती है, बिना ये समझे कि गलत खबर से किसी पर क्या बीतेगी। कुछ समय पहले लाइव इंडिया चैनल ने दिल्ली की टीचर उमा खुराना के बारे में ये खबर चला दी कि वह छात्राओं से देह व्यापार कराती है। पुलिस ने भी बिना तफ्तीश किए तुरंत उमा को जेल में डाल दिया। बाद में तहकीकात में पुलिस ने पाया कि उमा बेकसूर है और उसके बारे में दिखाई गई खबर फर्जी है। कुछ साल पहले की बात है, एक सुबह न्यूज चैनलों ने खबर दी कि नोएडा में स्कूल बस दुर्घटना में 5 बच्चों की मौत हो गई, जबकि उस दुर्घटना में किसी की भी मौत नहीं हुई थी। एक अन्य मामले में तो सनसनीखेज खबर दिखाने के चक्कर ने दिल्ली में एक युवक की जान ले ली। खबरों को सनसनीखेज तरीके से पेश करने वाले एक चैनल ने खबर चला दी कि इस युवक ने अपनी रिश्तेदार लड़की से बलात्कार किया है। इस खबर के कारण शादीशुदा इस युवक ने आत्महत्या कर ली। गैर जिम्मेदाराना और संवेदनहीन क्राइम रिपोर्टिंग के ये तो कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा भी ये देखा गया है कि हम सबसे पहले खबर देंगे कि इस होड़ में गलत या एक तरफा खबर दिखा दी जाती है, पुलिस के दावे को ही प्रमुखता दी जाती है, चाहे बाद में ये दावा कोर्ट में खोखला क्यों ना निकले। दिल्ली में क्राइम रिपोर्टिंग का स्तर गिरता जा रहा है इसका प्रमुख उदाहरण ये देखने को मिलता है कि पत्रकारों का पुलिस अफसरों पर निर्भरता। ये स्थिति खतरनाक है क्योंकि ऐसे में पुलिस अपने मन मुताबिक रिपोर्टरों का इस्तेमाल करती है, लेकिन इसके लिए पूरी तरह से रिपोर्टर खुद जिम्मेदार हैं। बड़े बड़े समाचार पत्र समूह और चैनलों तक के रिपोर्टरों को जब आईपीएस अफसरों के पैर छूते हैं तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी रिपोर्टिंग कितनी सही और निष्पक्ष होगी। क्राइम रिपोर्टिंग का मतलब पुलिस के दावे का भी पड़ताल करती है, सच्चाई का पता लगाती है, अपराध पीड़ित नहीं है या है, आरोपी का भी पक्ष लेकर सभी पहलू तथ्य समेत निष्पक्ष खबर दी जाए। सिर्फ पुलिस के दावे आधार पर ही किसी को मुजरिम करार देना क्राइम रिपोर्टिंग नहीं होती। आरोपी मुजरिम है या नहीं ये कोर्ट ही तय कर सकती है, लेकिन पत्रकार को अपराध पीड़ित पुलिस और आरोपी की बात को वेरीफाई करके ही सही तथ्य में अपनी खबर बनानी चाहिए। अक्सर पाया गया है कि पुलिस डकैती को लूट में तथा लूट और स्नैचिंग को चोरी में दर्ज करती है। पुलिस जब डकैती या लूट के मामले सुलझाने के दावे करती है,
तब क्राइम रिपोर्टर को यह पड़ताल करनी चाहिए कि पुलिस ने जो मामले सुलझाने का दावा किया है क्या वे सही हैं, क्या वे सभी मामले पुलिस ने वारदात के बाद दर्ज किए थे या नहीं, और यदि दर्ज किए हैं तो क्या वे आईपीसी की सही धारा में दर्ज किए गए हैं। आंकड़ों के द्वारा अपराध कम दिखाने के लिए पुलिस अपराध के सभी मामलों को या तो दर्ज नहीं करती या फिर उनकी हल्की धारा में दर्ज करती है। पुलिस ने मामला सही धारा में दर्ज किया है या नहीं, इसका पता पीड़ित से बात करके लगाया जा सकता है। इसके लिए क्राइम रिपोर्टर को आईपीसी की प्रमुख धाराओं की जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध कौन सा होता है, कौन सा अपराध जमानती है और कौन सा अपराध गैर जमानती है। पुलिस के कामकाज में उर्दू के शब्दों का भी इस्तेमाल होता है, इसलिए उनके अर्थ मालूम होने चाहिए। FIR क्या होती है, रोजनामचा, DD एंट्री, तहरीर, रुक्का, कलंदरा, विसरा और पंचनामा क्या होता है। पत्रकार को IPC और CRPC की मुख्य धाराओं के साथ ही पुलिस एक्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर क्राइम रिपोर्टर हिरासत और गिरफ्तारी के अंतर को समझता होगा और पुलिस की कार्यप्रणाली खासकर तफ्तीश और पूछताछ के बारे में जानकारी रखता होगा तो उसे क्राइम रिपोर्टिंग करने में आसानी होगी। क्राइम रिपोर्टर को समझना होगा कि पुलिस की भूमिका के बारे में कि अपराध करने वाला अगर कोई बड़ा आदमी यानी पैसे वाला या सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है तो पुलिस उसके बारे में जानकारी नहीं देती। अपराध में आम आदमी शामिल है तो उसके पूरे परिवार तक के बारे में ढिंढोरा पीट कर बताती है। क्राइम रिपोर्टिंग ऐसा क्षेत्र है जिसमें 24 घंटे ही सतर्क रहना पड़ता है। अपराध की सूचना मिलते ही मौकाए वारदात पर सबसे पहले पहुंचने का जुनून रिपोर्टर में रहता है, जो कि उसे चुस्त और चौकन्ना रखता है। देश की राजधानी में क्राइम रिपोर्टिंग करना एक चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा के बीच कार्य करना पड़ता है। राजधानी में घटी किसी भी बड़ी वारदात पर पूरे देश की नज़र रहती है। ऐसे में क्राइम रिपोर्टर पर उस मामले में अलग से खास खबर देने का दबाव रहता है। चुनौती, दबाव, तनाव और प्रतिस्पर्धा के बावजूद अच्छी बात यह है कि यह अच्छा कार्य करने वाला क्राइम रिपोर्टर की पहचान का दायरा बड़ा हो जाता है और अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह खबर द स्क्राइब्स वर्ल्ड प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के जानिब से लिखी गई है, जो मैंने आपको सुनाई है। यह ज़मीनी हकीकत की खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ।